इंटरव्यू में चुनावी रणनीतियों पर बड़ा पर्दाफाश किया है। इस दौरान रैपिड फायर इंटरव्यू में उन्होंने कई सवालों का जवाब देते हुए सियासी हवाओं के रुख पर पूरी कहानी बताई। निश्चित रूप से नहीं, संविधान बदलने जितना बहुमत हमारे पास 10 साल से। आप क्या मानती है कि राहुल बाबा एंड कंपनी बोलेगी और देश मान लेगा? हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। अमित शाह से सुनिए चुनाव के रुख की पूरी कहानी। अमित शाह से समझिए 400 पार का सारा गण। रैपिड फायर सवालों का सबसे सुलझा और सटीक जवाब। सियासत की हर तासीर को बारीकी से समझने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसी भी मुद्दे पर जब बोलते हैं तो उसके पीछे एक गहरी वजह होती है। पांचवें चरण के चुनाव से पहले ANI को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने 400 पार के नारे और संविधान पर उठे सवालों का अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिया। देश की जनता को मालूम है कि मोदी जी के पास 10 साल से संविधान बदलने के लिए पर्याप्त बहुमत है। हमने कभी ये अप्रोच नहीं किया। हाँ, हमें 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लानी है। 400 सीट जरूर चाहिए क्योंकि भारत की सीमाओं को चौक चौबंद और सुरक्षित रखना है। 400 सीट इसलिए चाहिए कि देश को दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है। हमने 400 सीट हमारी नहीं थी मगर पर्याप्त बहुमत था। इसका उपयोग हमने संविधान सभा ने जो देश को वादे किए थे वो सारे वादे पूरे करने में। रैपिड फायर सवालों का जवाब देते हुए अमित शाह ने शराब नीति को लेकर दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को भी घेर लिया। इनकी प्ली थी कि मेरी अरेस्ट ही गैरकानूनी है, मेरी अरेस्ट को रद्द कर दीजिए, मतलब मुझे यहां से बरी कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, फिर प्ली को मॉडिफाई किया कि ठीक है चलो भाई अरेस्ट रद्द करना छोड़ दीजिए, मुझे बेल दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि आपका चुनाव के प्रचार का जो मांग है इसको आप पूरा करिए, हम आपको इंटरिम बेल देते हैं और 1 तारीख को आपको सरेंडर करना है। वहां तक न सरकार में कोई काम करना है, ना ऑफिस जाना है। अब इसको ये बड़ा विजय और क्लीन चिट मान रहे। क्लीन चिट नहीं है, चार्जशीट पड़ा है अभी कोर्ट के सामने। अगर उनको इतना विश्वास था तो सेशन कोर्ट में क्रॉसिंग डालते। इस दौरान अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी के बदले हुए हालात की कहानी भी बयां की। साथ ही विपक्षी गठबंधन की परिवारवादी पॉलिटिक्स को भी कटघरे में खड़ा किया कि 14% वोटिंग से 40 पार कर गया, इससे बड़ी कोई सफलता 370 की नहीं हो सकती। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे, आज शांतिपूर्वक कहीं एक डंडा भी नहीं चला, एक भी रैगिंग नहीं हुई और धैर्यपूर्वक किसी भी दल का कोई फरियाद नहीं। सारी पार्टियां परिवारवादी हैं, सारी पार्टियां कहती हम 370 वापस लाएंगे और सारी पार्टियां भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर भी जवाब दिया। हमने इस बात को पूरी तरह से मजबूती के साथ स्पष्ट किया है, मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से भी कर रहा हूं। जब तक भाजपा का एक भी सांसद है इस देश में से SC ST OBC के रिजर्वेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता और नरेंद्र मोदी से बड़ा SC ST OBC रिजर्वेशन का कोई समर्थक नहीं। अभी 3 चरणों का चुनाव बाकी है। जाहिर है आरोप प्रत्यारोप की घड़ी के कांटे अब और रफ्तार पकड़ने वाले हैं।
और इस बीच बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का बड़ा बयान सामने आया है, पहले हटाए 370, अब पीओके हमारा होगा। बीजेपी अखंड भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ाएगी कदम, इस बार 405 सीटें जीतने के बाद कदम बढ़ाए जाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत में होगा, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत और मजबूत होगा। तो बड़ा बयान बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी का सामने आया है, क्या कुछ कहा है सुनिए। आने वाले समय में इस चुनाव में हम 400 सीटें तो पार करेंगे, भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों से अधिक लेगी, और वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा होगा। अखंड भारत का सपना अगर कोई साकार कर सकता है तो देश में एक ही व्यक्ति है, नरेंद्र भाई मोदी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार बनेगी और हमारा अखंड भारत का सपना, हमारा ये 370 का, राम मंदिर का, जो भी सपने पूरे किए हैं मोदी जी ने किए हैं, अखंड भारत का और पीओके भारत में फिर से मिले, ये सपना हिंदुस्तान की जनता जो बरसों से देख रही है, सन 47 के बाद लगातार इस बात को आवाज उठा रही है और जगह जगह बात होती है। दिल्ली में 20 मई को बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में अब तक के लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी और साथ ही आगे के चरणों को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। 400 पार का ये बड़ा नारा जिसको लेकर लगातार बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है, और इसी सिलसिले में जेपी नड्डा के अध्यक्षता में 20 मई को बीजेपी की बड़ी बैठक है जिसमें अब तक हुए चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी और साथ ही जो तीन चरण बचे हैं उसको लेकर भी रणनीति तैयार होगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को बहुत आगे पहुंचाया है, उसे और आगे ले जाने के लिए पीएम मोदी ही पीएम रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो और एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल फॉर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि जो भारत 2014 तक इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर मोदी जी के शासनकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2027 आते आते वह दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर होगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने देश का मान बढ़ाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जाएंगे बल्कि 29 तक भी वही पीएम रहेंगे। चूंकि विपक्ष के लगातार से सवाल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं करेंगे, खासतौर पर केजरीवाल हर रैली में हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले साल 75 के होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी रिटायरमेंट ले लेंगे, उत्तराधिकारी अमित शाह को बना देंगे, और इसी का खंडन यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हुए, उनका कहना है कि 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने साफ तौर पर सुना है, उनका कहना है कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर तो आने ही वाले हैं, साथ ही पूरा 5 साल का टेन्योर भी मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर पूरा करेंगे। तो एक करारा जवाब विपक्ष को देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। दरअसल एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश विपक्ष की तरफ से हो रही है और उसी का जवाब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है।